नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको YouTube का एक अल्टरनेटिव बताने वाला हूं। और वहां पे YouTube की तरह कोई कंपटीशन नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, 4000 घंटे आपको नहीं चाहिए। 1000 व्यूज़ के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और वहाँ पे 17 बिलियन व्यूज़ आते हैं, मतलब विजिटर आते हैं वहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा ऑडियंस वहाँ पे भी स्पेंड करती है टाइम, और कितने मिनट टाइम स्पेंड करती है, 5 मिनट तक का वहाँ पे टाइम स्पेंड करती है। और अगर आप उस प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हो, अगर आप यूट्यूबर हो या एक क्रिएटर ऑलरेडी हो, फनी वीडियोस बनाते हो, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूट्यूब के साथ साथ आपकी वही वीडियोज़ उस प्लेटफॉर्म पे भी आप अपलोड कर दोगे तो आपको अच्छे खासी अर्निंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। या तो आप अगर यूट्यूबर नहीं है तो आपको कंटेंट कहाँ से लाना है, और वहाँ पे ना तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा और ना ही आपको वहाँ पे रीयूज़ का खतरा। सिर्फ 1000 व्यूज़ चाहिए और 1000 व्यूज़ के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और वो भी आपको सेम तरीके से ही आपके अकाउंट में पैसा दे देगा जैसे कि यूट्यूब देता है $100 होने के बाद। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो गाइस अभी तक आप यही सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं जो अल्टरनेटिव यूट्यूब जैसा ही है। और ये सालों से, पिछले कई सालों से ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रहा है, और ये प्लेटफॉर्म आपको जानना ज़रूरी है अगर आप एक क्रिएटर हो और ऑनलाइन पैसा कमाने के इच्छुक हो। तो आपको YouTube के कंटेंट से कैसा पैसा कमाना है, वहाँ पे YouTube की वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो, किसी और की वीडियोस भी वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप YouTube से भी कंटेंट अपलोड करके वहाँ से पैसा कमा सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट सर्च करते हो तो यहाँ पे कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 मिलियन, 8 मिलियन, उसके बाद 28 मिलियन, उसके बाद 21 मिलियन, 2 मिलियन, 4 लाख व्यूज़। ऐसे व्यूज़ ही आप वहाँ पे ले सकते हैं, और इन्हीं में से आपको एक वीडियो उठा लेनी है और उसकी वॉइस को आपको म्यूट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टोरी कुछ अलग ही क्रिएट करनी है, आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है और आपको उस प्लेटफॉर्म पे वीडियो को अपलोड कर देना है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्लेटफॉर्म कौन सा है। इसे अच्छे से जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों अभी तक आप यही सोच रहे थे कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको वो प्लेटफॉर्म बता देता हूँ कि डेली मोशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी वीडियोस को अपलोड करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे भी जैसे कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, एक आईडी क्रिएट करनी है, तो साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी वीडियोस हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे पैसा कमा रहे हैं और कैसे ये लॉगिन करना है, कैसे अकाउंट आपको क्रिएट करना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के लिए यहाँ पे हमने ईमेल भर दिया है और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड फिल कर देते हैं। ये पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो इसे साइन अप कर लेते हैं। और साइन अप करते ही यहाँ पे मैं इसे सेव भी कर लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो यहाँ पे हमें एक ईमेल आएगी, कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड, या तो शायद दोबारा आया ये वाला है, क्योंकि मैंने दोबारा से रीअप्लाई कर दिया था। तो गाइस यहाँ पे दोबारा आया है, यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, कोड को आपको वेरीफाई कर देना है, देन आपको कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे सब कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आप संदीप बुल्लर यहाँ पे आपको फिल कर देना है, देन क्रिएट अपडेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो यूज़ करनी है। यहाँ पे कोई फेमस सी वीडियो आप देख सकते हो, शॉर्ट वीडियोस, तो आपको ये वीडियो करनी है। उसके बाद ये इसका लिंक कॉपी कर लेना है और यहाँ से आपको YouTube ऑनलाइन वीडियो डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना है और डाउनलोड पे लगा देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑप्शन आ गया कि हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, और अगर आपको स्क्रिप्ट वैसे क्रिएट करनी आती है तो आप यहाँ से कर सकते हो कोई भी तरीके से। और ये आप स्टोरी एक बार देख लीजिए, ये वाली कितनी मस्त आई है ना फोटो, हम लोग घर में बड़ी करके लगाते हैं।
तो यहाँ पे एक अच्छी सी आप ये लिख सकते हो कि नोक झोंक प्यारी, नोक झोंक लड़की, जैसे जैसे बोल रही है उसका वॉइस ओवर आपको देना है, तो वो आपको टाइप ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसे एडिट कैसे करना है, आपको क्लिप चैम्प पे चले जाना है, देन आपको यहाँ पे क्लिक चैम्प योर वीडियोज़ पे क्लिक कर देना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको उस वीडियो को यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, देन आपको यहाँ पे वीडियो को ऐड करना है। तो ये वीडियो को आपको उठा लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को ले आना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे हमारी वीडियो आ चुकी है और यहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मस्त हुआ ना इवेंट। देख सकते हो, कट करना है कट कर सकते हो, एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक अच्छी सी स्पीच बनानी है इस पर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे रिकॉर्ड एंड क्रिएट का। यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू स्पीच का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश में रखना है तो इंग्लिश में रख सकते हो, अगर आप हिंदी में रखना चाहते हो तो हिंदी में रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक, हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक, आपको ये सर्च कर लेना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है स्टोरी को, स्क्रिप्ट को, जो भी है। तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको वॉइस लड़की की चाहिए तो आपको लड़की की एफ पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे आपको वॉइस ओवर मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। बीवी, अच्छा जरा बताओ कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या अंतर होता है? तो आप इसे थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो। बीवी, अच्छा जरा बताओ कि अरेंज। अब इसे हम सेव टू मीडिया में कर लेते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसकी वॉइस को कम कर देते हैं, इसकी जो वॉइस है वॉल्यूम हम इसे कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखना है इसकी वॉइस ओवर ख़त्म हो चुका है। तो अब ये वॉइस ओवर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वॉइस तो ऐड आगे बढ़ नहीं सकती है, तो आपको उसी हिसाब से स्क्रिप्ट देना है। तो मैंने यहाँ से, आप इसे एक बार छोटा कर लीजिए वीडियो को। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा अच्छा जरा बताओ कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या अंतर होता है? ऐसा ही पति, कंटेंट। अरेंज मैरिज का मतलब बिका हुआ माल वापस ना होगा और लव मैरिज का मतलब पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पत्नी, तुम तो कहते थे शादी के बाद भी तुम मुझे बहुत प्यार करोगे। पति, अरे मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी मेरे साथ ही हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक परफेक्ट तरीके का जॉक बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसे मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे कि मैं इस पे डाउनलोड कर लेता हूँ। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रिएट हो रही है हमारी वीडियो। तो यहाँ से जो वीडियो क्रिएट हो जाएगी आपको, वो सिंपली या तो अपने यूट्यूब चैनल पे डालोगे तो रीयूज आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको डेली मोशन पे ही अपलोड करनी है। अभी हम डाउनलोड करके इसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मेड विथ ये वाली वीडियो को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, देन मैं इसे एक बार आप प्ले करके दिखा देता हूँ कि उसके साथ वॉइस ओवर लगा है। तो यहाँ पे बीवी, आप देख अच्छा सकते हो जरा बताओ कि अरेंज वॉइस ओवर मैरिज लग और चुका लव है। मैरिज में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पे पति, वाटरमार्क का अरेंज भी मैरिज का नहीं आ मतलब रहा। बिका हुआ। तो गाइस अब इसे हम अपलोड करते हैं डेली मोशन में। कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपलोड करना है, देन यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे देखना है कौन सी वीडियो, ये वाली वीडियो थी। तो उसके बाद इसे टाइटल दे देना है। तो गाइस डेली मोशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अर्निंग बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है, और वहाँ पे आपको कंपटीशन भी बहुत कम मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मैं बताता हूँ वीडियो में। जय हिंद।